तो गाइज इस वीडियो में जो है आपको SBI का स्टेट बैंक का जो ATM आता है उसका पिन जनरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ATM जो है पिन ATM कार्ड मशीन में लगा देना है। उसके बाद आपको अपनी भाषा सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कोई भी दो अंक डालना है अपनी मर्जी से। यस कर देने के बाद यहाँ पर जनरेट पिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर 35। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आई प्रेस इफ करेक्ट, प्रेस इफ करेक्ट। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है 63 95। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद एक OTP आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके बैंक में उसमें एक OTP आएगी। उसके बाद आपको अपना पिन जो है जनरेट करना है। उसके बाद जो है आपको दोबारा अपना कार्ड लगाना है। OTP आ जाएगी 46। फिर आपको दोबारा कार्ड लगाना है। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज द्वारा सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश कर लेना है। उसके बाद कोई भी दो डिजिट आपको डाल देना है। मान लो हम यहाँ पर डाल देते हैं 96। उसके बाद फिर यस कर देना है आपको। फिर यहाँ पर अब जो OTP यहाँ पर आपके फ़ोन में आई है उसको यहाँ पर डाल देना है। 46। उसके बाद बैंकिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है पिन चेंज का, इस पर क्लिक करना है और आप जो भी पिन बनाना चाहते हो वो यहाँ पर अपना पिन डाल लें। और एक बात द्वारा आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपका जो है पिन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजैक्शन कंप्लीट और आपका पिन जनरेट हो गया है। और अपना आपको कार्ड निकाल लेना है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसे निकालेंगे, इसी पिन से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पिन जनरेट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियो गाइज मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।